Hey guys, today we are making chatpatta beef. 1 kg beef में हमने add कर देना है chili powder, chili flakes, साथ ही add कर देंगे salt, धनिया powder और एक चुटकी हल्दी का. अब हम शंग्रीला के कुछ products इसके अंदर add करने वाले हैं. सबसे पहले शंग्रीला का vinegar है, ये 1 tablespoon add किया है. उसके बाद हमारे पास शंग्रीला का सोया सॉस है, ये भी 1 tablespoon add किया है. उसके बाद हमारे पास है चिली सॉस, ये भी शंग्रीला का है और 1 tablespoon add किया है. नेक्स्ट हमारे पास है वॉस्टरशायर सॉस, ये बहुत ही मुश्किल नाम है इसका बट बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर देता है, ये भी 1 tablespoon है. एंड लास्टली हमारे पास शंग्रीला का ही लेमन जूस है, ये भी मैंने 1 tablespoon add किया है. इन सॉसेस को ऐड करने से बहुत ही अच्छा और चटपटा सा फ्लेवर आ जाता है. मैरिनेशन हो गई है, अब हम ग्रेवी को प्रिपेयर करेंगे. ग्रेवी के लिए 1 cup ऑयल में 1 cup अनियन लेना है. फाइनली चॉप करके अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे. अच्छी तरह से हमने इसे भून लेना है और फिर उसके अंदर ऐड करना है टमाटर. पील को रिमूव कर लेगा, 1 cup ऐड कर देगा. इतना अच्छे से भूनना है कि टमाटर बिल्कुल मैशी हो जाए और सॉफ्ट हो जाए. अब अपना मैरिनेट किया हुआ बीफ इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से 15 से 20 मिनट में भून लेंगे. मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप इसे नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं. प्रेशर कुकर में आपने ऐड कर देना है 3 cup पानी. 3 cup पानी ऐड करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप इसका ढक्कन बंद कर देंगे. प्रेशर कुकर में तकरीबन 25 से 30 मिनट में रेडी हो जाएगा. डिफरेंट हो सकता है आपके मीट के हिसाब से, मेरा जो है 27 मिनट्स में बिल्कुल रेडी हो गया था और नॉर्मल पॉट के टाइम मैंने मेंशन कर दिए हैं. अब ये अच्छी तरह से डन हो जाएगा, आप ढक्कन रिमूव करें और इसको अच्छी तरह से कर लें मिक्स. उसके बाद अपने इसके अंदर फाइनल टच देना है. फाइनल टच में हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, फ्रेश चिलीज एंड धनिया. ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत डालें, मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसको ज़रूर ऐड करती हूँ. इसके बाद आपने ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आपका चटपटा बीफ विद ग्रेवी रेडी है. अब आप इसे रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.